शादी नाम है खुशी का और ये खुशी का मौका है टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर के लिए, जिन्होंने खुशी के इन लम्हात को एक मुनफरद अंदाज में यादगार बनाया। वो अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे बग्घी पर, जबकि बारात में शरीक उनके करीबी दोस्त सवार थे घोड़ों पर। बारात के ढंग को सब ने बहुत पसंद किया। मुस्कुराहटों और खुशियों से भरपूर इस तकरीब में तौफीक उमर को नए सफ़र के लिए, नए ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए जहां उनके करीबी अजीज अकारब थे, वहां उनके साथी क्रिकेटर्स भी पेश पेश रहे। ज़िंदगी में एक दफ़ा मौका आता है, सो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा लग रहा है। वलीमे की तकरीब बारात से कदरे मुख्तलिफ रही। नया जोड़ा जब पंडाल में दाखिल हुआ तो मेहमानों से मुबारकबादें वसूल करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौके पर मौसीकी का भी खास एहतमाम किया गया था, जिससे मेहमान खूब महजूज हुए। तौफीक उमर अगरचे इन दिनों कौमी टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन कौमी क्रिकेटर्स के साथ साथ साबिक क्रिकेटर्स की भी एक बड़ी तादाद तौफीक की नई इनिंग्स के आगाज के मौके पर मौजूद थी। दूल्हा दुल्हन के अलावा तकरीब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के नए हीरो मिसबाह हक सबकी तवज्जो का मरकज रहे। नई ख्वाहिशात यही है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और उसके लिए ये जो शादी है ये लकी साबित हो। जब आपकी शादी होती है तो उसमें एक पार्टनर जब आपके साथ मिलता है ना, तो उसमें आप में एक नई इंस्पायरेशन पैदा होती है कि मैंने यू नो आई हैव टू शो माय पार्टनर दैट यू नो आई एम स्टिल गुड इनफ। प्रूव करना पड़ता है और अपने जो क्रिकेट है उसमें एक आपको नया जज्बा और यू नो एंथुसिएज्म आ जाता है। एक ही हमारे बैच का रह गया था जिसकी शादी नहीं हुई, आज शादी उसके साथ, पूरी दुआएं उसके साथ हैं कि उसकी लाइफ आगे जो आफ्टर मैरिड नई ख्वाहिशात उसके साथ हैं, खैर खैरियत से खुशी से गुजरे। मैं शादी के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा होती है इंसान पर, तो मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन शादी के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तौफीक उमर कौमी टीम का हिस्सा न बनने से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने मुतनाज़ा इंडियन क्रिकेट लीग ज्वाइन कर ली। अब उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की पाबंदी का भी सामना है, लेकिन तौफीक उमर को यकीन है कि उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए खुशियां लेकर आएगा। कैमरामैन सईद चौधरी के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।